गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं कौस्तु वर्मा फिजिक आउसाई का एक स्टूडेंट हूँ जो कि फोरियर क्लासरूम प्रोग्राम में इन्वॉल्व हूँ। मैं यहाँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस फिजिक आउसाई के साथ कैसा रहा। मैं फिजिक से जुड़ा था जब मेरी एक कोऑर्डिनेटर मैम ने मुझे इसे रिकमेंड किया था। उसके बाद मैंने FTRE दिया और FTRE के जरिए मैंने क्लास 9th में फिजिक और फोरियर क्लासरूम प्रोग्राम के लिए इन्वॉल्व किया था। NTSC में मैंने स्टेज 1 और फिर स्टेज 2 क्लियर किया, जिसके बाद मैंने बोर्ड एग्जाम्स में CGPA 10 के साथ अपनी 11th क्लास में कदम रखा। 11th क्लास में सबसे पहले तो मैंने जो है KPY स्टेज 1 क्लियर किया और उसके बाद इंटरव्यू के साथ मैंने KPY स्टेज 2 में क्लियर किया और AIR 6 के साथ फाइनल रैंक लाई। 11th क्लास में मैंने पहली बार ओलंपियाड का नाम सुना था। उससे पहले मुझे भी लगता था कि ओलंपियाड का मतलब होता है SOF के IMO और NSO, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। एक्चुअल ओलंपियाड्स NSEP, NSEC और NSEA है जो कि IAPT ऑर्गेनाइज करती है। मैंने पहली बार 11th क्लास में उन्हें दिया। 11th क्लास में मेरा सिर्फ NSEA क्लियर हुआ, जो है NSEA के बाद उसका नेक्स्ट स्टेज इनाव दिया INOA। उसके बाद मुझे कैंप के लिए OCSE कैंप एस्ट्रोनॉमी के मुंबई में बुलाया गया। फिजी ने मुझे थ्योरेटिकल उसके लिए काफ़ी प्रिपेयर किया और वो काफ़ी काम का साबित हुआ। जब मैंने कैंप में कदम रखा तो वहाँ पर 3 स्टेजेस थे जिसमें से थ्योरी के सबसे ज़्यादा वेटेज थी। सिर्फ थ्योरी ही था जिसके दम पे मैं इंडियन टीम में सिलेक्ट हो पाया। मैंने फाइनली कैंप को 2nd रैंक के साथ क्लियर किया जिसमें से टॉप 500 चुना जाना था और थ्योरी में मैं टॉप रहा, जिसके बाद मुझे ये चांस मिला कि मैं इंडियन टीम को का मेंबर बन के इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ IOAA 2018 चाइना में। वहाँ पर मैं गया और अपनी कंट्री के लिए सिल्वर मेडल आया, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर था। जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं पाता हूँ कि फिजी में मुझे क्या मिला, तो उसमें मुझे सबसे पहले दिखाई देता है कि यहाँ पर ऐसे टीचर्स थे जो अपना सब कुछ देते हैं ताकि आपको सबसे अच्छे तरीके से समझाया जा सके कि कॉन्सेप्ट क्या थे। यहाँ पर हर एक लेवल पर कॉम्पिटिशन है ताकि आपको अपने जैसे बच्चे मिल सकें, ताकि आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकें। AITS और AISquareTS ने मुझे काफ़ी हद तक ये पता करने में मदद की कि मेरी नेशनल रैंकिंग्स कहाँ चल रही है। दूसरी तरफ GMP और RTPF ने मुझे मदद किया कि मैं इस नए लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन के लिए तैयार हो सकूँ। फाइनली मैं अपना ये वीडियो एक नोट ऑफ थैंक्स बन करना चाहूँगा अपने टीचर्स और स्पेसिफिक फिजी साउथ दिल्ली को। हैट्स ऑफ टू यू ऑल फॉर योर सपोर्ट।